अगर आपको ऑफर की थी तो तोड़ने वाला ने तोड़ लेना सड़ना साइयां दे हाथे च सर साइयां ने दिल कीता ते बाप पार्टी तोड़ के देर लगदी बताऊं एक नया फिकरा बताऊं आपको बड़ी जिम्मेदारी से क्या साडा ख्याल सी वो निकम्मे ने ऐ उदे तो भी ज्यादा निकम्मे जुमला बता रहा जस्ट मैं कुछ नहीं कहूंगा आप भी कुछ नहीं मैं वो भी आर्मी चीफ आता है ये बार बार ये बहस है ना पाकिस्तान की कि मियां साहब की जब भी टेनर देखते हैं वो कहते हैं यार जो भी आर्मी चीफ होता है उनके साथ फर्द के साथ क्लैश मेरा अपना ख्याल है 2019 में they were tired of him you know? sick and tired of him बाजो साहब ने दसिया तुम्हें बाजो साहब ने बताया था फैज साहब मैं नहीं मैं नाम क्यों लूंगा दैट्स माय प्रिविलेज अच्छा मुझे गल दसो लेट्स से प्राइम मिनिस्टर नहीं ये नहीं कि बताया ऑफर की रिजीम चेंज मतलब हुकूमत चेंज हाँ मैंने सुना खाई साहब किससे पहले भी आपको ऑफर की गई थी और पार्टी बार बार इनकार कर रही थी कि हमने नहीं हटानी इसको मैं ही जानना चाह रहा हूं कि जब अप्रैल 2019 में कहा 20 में मैंने मेरी ये खबर 21 में भी शायद कहीं ना कहीं आप लोगों की बात हुई थी इस बारे में देखें लेकिन इनकार किया जाता रहा बार 22 में क्यों इनकार नहीं मैं फर्क बता दिया आपको क्योंकि 19 में भी या 21-22 में 19 का तो मैं खुद गवाह हूं तो 21-22 में मेरा घर को हो और साथ ही मेरा गवाह होगा उसमें इन लोगों के जो नंबर्स टूटे हैं जो लोग इस वक्त हमारे साथ हैं जो इनके एलाइज थे MQM हो गया बाप पार्टीज होगी ये उस वक्त नहीं टूटे थे देवर सर्वाइविंग मुझे अगर आपको ऑफर की थी तो तोड़ने वाला ने तोड़ लेना सड़ना साइयां दे हाथे च सर साइयां ने दिल कीता ते बाप पार्टी तोड़ लगदी ओदे विच हो सकदा ये मैं यू नो ये हो सकता है इतने नाराज ना हुए हों जितने वो खुद नाराज हुए थे एस्टेब्लिशमेंट पर द वर्ड विच यू वॉज यूज वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम ये फिक्रा इस्तेमाल किया मैं बताऊं एक नया फिक्रा बताऊं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं साडा ख्याल सी वो निकम्मे ने ऐ उदे तो भी ज्यादा निकम्मे जुमला बता रहा हूं जस्ट मैं कुछ नहीं कहूंगा आप भी कुछ नहीं मैं तो पूछ नहीं रहा लेकिन मुझे जो कहा गया मैंने कहा जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड स्ट्रेट अवे फिर ये मियां साहब के बारे में एक परसेप्शन है मियां साहब आते हैं 6 महीने में वो काकेदा खड़ा हो जाऊंगा आपको लगता है कि दिस फैक्ट कि एस्टैब्लिशमेंट हमेशा अनइजी रहती है कि मियां साहब आएंगे और कहीं उनसे कहीं ना कहीं किसी बात पे सींग अड़ जाएंगे शहबाज साहब बेहतर है क्योंकि अड़ते नहीं है हर बंदे की अपनी अपनी साइकी होती है कोई हर बंदा रेप्लिका तो नहीं ना होता एक दूसरे का मियां साहब हैज इट्स हिज ओन यू नो ट्रेंड्स और सेट ऑफ बिहेवियर जो है उनका अपना है लेकिन मुझे बताएं कि तीनों दफा जब ये वाकयात हुए हैं 93 वाला भी ले लें 99 वाला ले लें 99 वाला ले 2016 वाला ले लें अच्छा 2014 का लहदा ले मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन हिस्ट्री के लिए मैं हिस्ट्री पर थोड़ा सा एक्सप्लेन तीनों में देयर वाज नॉट क्लैश इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं था फर्द के साथ और हमेशा होता भी फर्द के साथ था फर्द चाहे वो उस वक्त जो जो लड़ाई तो शुरू हुई ना 88th अमेंडमेंट पे शुरू हुई 93 में जो है 99 में जनरल मुशर्रफ जो है उनकी अपनी जात जो है उसकी वजह से हुआ उसमें कोई और रौला कोई भी नहीं था कतन कोई नहीं था एंड मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो बंदा जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन पे उसको फीड की जा रही थी एक स्टेज के ऊपर 6 अक्टूबर को मैंने खुद उसको कहा मेरा ख्याल है मैंने आपको बताया भी हो मैंने उसको खुद कहा कि आपको इन्फॉर्मेशन वो एक लंच पे थे मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी उनके साथ आई जस्ट फाउंड हिम इन लंच इन प्राइम मिनिस्टर हाउस मैंने कहा जो आपको इन्फॉर्मेशन जाती है वो गलत जा रही है जो आपने जो जेन में जो इख्तरा